हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड चैप्टर फर्स्ट वन थिंग एट ए टाइम। एक ही समय में एक ही चीज करनी चाहिए। थिंग्स यानी चीज, टाइम यानी समय। एक ही समय में हमें एक ही चीज करनी चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। काम करते समय काम करो, खेलते समय खेलो, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। यही खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। वर्क यानी कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं काम करते हैं। यू यानी तुम, प्ले यानी खेलना, वे यानी तरीका। जब तुम खेलते हो तो खेलना चाहिए, काम करते हो तो काम करना चाहिए। काम करते समय, खेलते समय या खेलो, काम करते समय काम करो, दैट इज द वे। यही सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का। जैसे कि ये बच्चा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करते समय ये पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा नहीं है। ये बच्चा खेल रहा है, खेलते समय ये खेल रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए खेलते समय खेलना चाहिए, काम करते समय काम करना चाहिए। ये क्या है, इससे दोनों तरह से खुश रहने का तरीका है। आप काम करोगे तो काम में ध्यान रहेगा, खेलोगे तो आप खेल में ध्यान रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का। ऑल दैट यू डू, जो तुम करना चाहते हो या जो तुम करते हो, डू विथ योर माइंड। माइंड यानी ताकत, स्ट्रेंथ। जो भी आप करते हो अपनी स्ट्रेंथ से करते हो, अपनी ताकत से करते हो। थिंग्स डन बाय हाफ आर नेवर डन राइट। जो भी आप अधूरा काम करेंगे, जैसे कि ये बच्चा कर रहा है, ये सिर्फ पढ़ाई करते समय पढ़ाई कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है, ये पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, ये खेल भी रहा है, दोनों काम कर रहा है, इससे ये तरीका गलत है। पढ़ाई से करते समय पढ़ाई करना चाहिए, खेलते समय खेलना चाहिए। अब ये आधा अधूरा किया हुआ काम कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए पढ़ाई करते समय पढ़ाई करना चाहिए, खेलते समय खेलना चाहिए। यही खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। दैट इज थिंग्स डन बाय हाफ आर नेवर डन राइट। इससे जो ये चीजें कर रहे हो, इससे आधा अधूरा किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है। हाफ यानी आधा, राइट यानी सही, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए काम करते समय काम कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हो वही काम कीजिए। अगर आप खेल रहे हो तो आपका खेल में ध्यान रहेगा, पढ़ाई करोगे तो आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप दोनों काम साथ में कर रहे हो तो वो सक्सेस नहीं होगा, ना आप अच्छे से खेल पाओगे ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए खेलते समय खेलिए, पढ़ाई करते समय पढ़ाई कीजिए। वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल एज मेनी कैन टेल। एक ही समय में किया हुआ काम, एक ही समय में एक ही चीज करनी चाहिए। चीज यानी हम आपको पहले भी बताए थे, थिंग्स यानी चीज, टाइम यानी समय। एक ही समय में एक ही चीज करनी चाहिए एंड दैट डन वेल, यही अच्छा तरीका है। इज ए वेरी गुड रूल, अच्छा नियम, नियम रूल्स में नियम। एज मैनी कैन टेल, जैसे कि सभी बताते हैं, टेल यानी बताना।
one thing at a time and that done well. जैसे कि सभी कहते हैं एक ही समय में एक ही काम करो, वो भी बहुत अच्छे से करो, यही अच्छा नियम है जैसा कि सभी बताते हैं। एक ही समय में एक ही काम कीजिए, वो भी बहुत अच्छे से कीजिए, और ये अच्छा नियम है करने का। और जैसा कि सभी लोग बताते हैं कि एक ही समय में एक ही काम करना चाहिए, जैसा कि इसे बता रखे हैं, ये बच्ची खाना खा रही है तो ये सिर्फ खाना खा रही है और ये अच्छा तरीका है, सिर्फ खाना ही खा रही है, लेकिन इसमें इस पिक्चर में ये गुड़िया पढ़ाई भी कर रही है, बुक्स भी हाथ में और खाना भी खा रही है, जो कि बहुत ही गलत है। इस तरीके से ना ये ढंग से खाना खा पा रही है, ना ये अच्छे से पढ़ाई कर पा रही है। अब हम इसे वापस से एक बार इस पोयम को वापस से रिपीट करेंगे। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। काम करते समय काम करो, खेलते समय खेलो, टू बी यूजफुल यही उपयोगी है, और खुश रहने का दैट इज द वे, यही अच्छा तरीका है, खुश रहने का अच्छा तरीका है। All that you do, जो भी आप काम करते हो, do with your mind, अपनी strength के साथ करते हो, अपनी ताकत के साथ में करते हो। Things done by half are never done right, आधा किया हुआ काम कभी भी सही नहीं होता है, are never done right, सही नहीं होता है आधा किया हुआ काम। One thing at a time, एक ही समय में एक ही चीज करो, एंड दैट डन वेल, यही सबसे अच्छा तरीका है, इज अ वेरी गुड रूल, यह अच्छा नियम है। एज मैनी कैन टेल, जो कि सभी बताते हैं, एक ही समय में एक ही चीज करनी चाहिए, जो कि सभी बताते हैं, और इससे बहुत आप खुश भी रहोगे और ये अच्छा तरीका है।